अपना एग्जाम फेल कर लिया हो या इंटरव्यू फेल कर लिया हो, जो कि अभी आपने मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी सुना होगा, ये भी ये चलती है। एक स्टेज पे जाके लोगों को सुसाइडल थॉट्स आने शुरू होते हैं। अगर आपने डिप्रेशन को, ये नेगेटिव थिंकिंग है, इसको हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं दवाइयों से और काउंसलिंग से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सरदाम करीम। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, इन चीज़ों को लेकर हर एक जगह से अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया आ रही है। हर एक बॉलीवुड से लेकर एक चमकते सितारे जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी खोया, वो भी सुसाइड कर, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह हो सकती है। इन्हीं चीज़ को जानने के लिए कई लोग कोशिश कर रहे हैं। हर किसी के जहन में यही सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर उन्होंने इतने अदाकारी कलाकारी के बाद आखिर आत्महत्या क्यों कर ली, अपनी जान क्यों गंवा दी। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए डॉक्टर दलजीत कौर मनोज चिकित्सक हैं, जो हैदराबाद से हैं और डॉन हेल्दी माइंड्स के संस्थापक भी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ चैनल पर। शुक्रिया, नमस्कार। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, सुसाइड के कई कारण हो सकते हैं। लोग डिप्रेशन में होकर सुसाइड कर लेते हैं और कई तरह से कारण होते हैं, या तो घर की कोई परेशानी होती है, या कुछ लोग कहते हैं कि मानसिक तनाव आता है तो लोग सुसाइड करते हैं। आप एक डॉक्टर के नाते कैसे देखते हैं, आप डॉक्टर दलजीत कौर कैसे देखती है इन चीज़ों को? तो जैसे आपने बोला, सुसाइड एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये सारी दुनिया की प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं है कि जो भी सुसाइड करे वो डिप्रेशन या मानसिक प्रॉब्लम की वजह से ही करे। आपके लाइफ में कोई भी बड़े से बड़ी इवेंट हो सकती है, जैसे कि किसी की डेथ हो गई हो, किसी का रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया हो, किसी ने सडनली अपना एग्जाम फेल कर लिया हो या इंटरव्यू फेल कर लिया हो, तो उस मोमेंट में, एक वीक मोमेंट में इम्पल्सिवली, जो कि बगैर सोचे समझे कोई कोई सुसाइड कर लेता है, हालांकि उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की हुई होती है, उनका कोई डिप्रेशन का बैकग्राउंड नहीं होता है, बट उस वक्त में, उस मोमेंट में वो अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं और सडनली बगैर सोचे समझे शायद कोई स्टेप ऐसा ले ले जो कि सुसाइड में बदल जाए। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि सुसाइड कोई भी रीजन से हो सकता है और हम सबको समझना है एट डिफरेंट लेवल्स। जैसे हमारे एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक व्यक्तित्व लेवल पे हमको समझना है, क्योंकि हमारा एक रोल वहाँ पे है, एक समुदाय की तरह, कम्युनिटी की तरह भी हमारा एक रोल है इस सुसाइड को रोकने के लिए, और एक देश का एट अ नेशनल लेवल भी हमारे कुछ ड्यूटीज हैं जो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, किस तरह से मैम समझा जाए, जो मेडिकल कारण होते हैं, जो व्यक्ति समझ सके, उनके दोस्त समझ सके, ताकि उनके घर वाले समझ सके कि वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाए, कि इन्हें अगर अभी कम हुआ है तो इन्हें इलाज करके इन्हें ठीक किया जा सकता है, इनको लेकर कैसी चीजें वो देखने को मिलती है कि लोग समझ सके आखिर कि सच में ये सुसाइड करने वाले हैं या कुछ चीजों को लेकर इन्हें मानसिक तनाव हो गया है, तो कैसे समझा जाए? जी, तो सबसे पहले हमको एक अवेयरनेस क्रिएट करना है कम्युनिटी में। सुसाइड का एक बहुत बड़ा रीजन है डिप्रेशन, जो कि अभी आपने मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी सुना होगा, सबको पता है अभी कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे। उसके चाहे काफी सारे उनके खुद के रीजन रहे हो, वो मेडिकेशन पे भी थे और फिर उनके लोगों ने, यू नो, आसपास के लोगों ने भी बोला है कि वो थोड़ा सा डिप्रेशन में थे, इस तरीके की बातें कर रहे थे। तो डिप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहले हमको समझना है कि डिप्रेशन होता क्या है और इसको हम अपने आसपास वाले, चाहे नेबर्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड्स में, किस तरीके से हम डिटेक्ट करें डिप्रेशन, उसी के बाद हम सुसाइड के बारे में सोच सकते हैं। तो मैं आपको डिप्रेशन के बारे में कुछ बोलती हूँ। पहली बात आपको देखना है कि किसी के मूड में, उनके मूड में, जैसे कि उदासी फील हो रही है या वो गुस्से में आ गए हैं, चिड़चिड़े आ गए हैं, सडनली अगर आपको लगता है कि किसी का मूड चेंज हो गया है, समझिए 2-3 हफ्ते तक, उसको आपको नोटिस करना है। अगर वो अपने आप में रहना शुरू करते हैं, दूसरों से मिलते जुलते नहीं है, जबकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो एक मिलनसार इंसान था, तो आपको देखना है कि इतना बड़ा बिहेवियर चेंज क्यों हो गया है। खाना पीना लोग कम कर देते हैं, कोई कोई ज्यादा भी खाते हैं, नींद किसी को ज्यादा आती है, किसी को कम आती है, लोगों का मन लगता ही नहीं है कोई चीज में, जैसे कोई अब काम कर रहा है उसमें शायद उनका ध्यान ना लगे,
अगर कोई पढ़ाई कर रहा है उसमें ध्यान ना लगे, कोई अगर होम मेकर है घर में है तो वो उठ के अपना काम करे, बच्चों को देखे, अपना अपनी भी देखभाल करे, ये भी नहीं कर पाते हैं। तो ये समझिए कि जो उनके सिम्टम्स है वो उनके डे टू डे लाइफ में इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ती हैं, समझिए 2 हफ्ते 3 हफ्ते कभी कभार कुछ महीने भी ये चलती हैं, एक स्टेज पे जाके लोगों को सुसाइडल थॉट्स आने शुरू होते हैं। अगर आपने डिप्रेशन को पहले से ही डिटेक्ट नहीं किया है, उसके लिए आपने कोई सहायता नहीं ली है, कोई प्रोफेशनल या डॉक्टर के पास नहीं गए हो या काउंसलिंग नहीं ली है, तो हो सकता है आगे जाके आपको सुसाइडल थॉट्स हो। अब जरूरी नहीं है कि हर किसी को सुसाइडल थॉट्स होने से आगे जाके सुसाइड कर ही ले। डिप्रेशन में कई बार सुसाइडल थॉट्स आते हैं, लोगों को लगता है कि ये जिंदगी का क्या फायदा है, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, इससे अच्छा तो मैं ना रहूं तो मेरे घर वाले खुश रहेंगे। तो ये नेगेटिव थिंकिंग है, इसको हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं दवाइयों से और काउंसलिंग से। हाँ, कभी कभी किसी को एक्टिवली सुसाइडल फील होता है, जैसे कि उनको लगता है बस अभी मुझे कुछ ना कुछ करना है, मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं, क्योंकि उनको और कोई चारा ही नहीं दिखता है। उनके चाहे समझिए किसी को अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को अपनी हेल्थ प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि मेरे जीने का फायदा नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही है। कई बार लोग किसी ना किसी तरह का हिंट देते हैं, चाहे वो अपने लफ्जों में बोले कि अभी जी कर क्या फायदा, इस तरीके के अगर आप किसी से सेंटेंसेस सुनते हैं अपने घर वालों से, उसको मैं बोलूंगी कि आप नजरअंदाज मत कीजिए, ये बहुत सीरियस चीज है। अगर आपके आसपास कोई भी सुसाइड के बारे में चाहे मजाक में हो या कैजुअली उसके बारे में बात कर रहा है, तो प्लीज इसको सीरियसली लीजिए, उनके साथ बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों इस तरीके की थॉट्स आ रही है। क्योंकि काफी बार हम सुसाइड को बहुत इजिली उसको रोक सकते हैं, सुसाइड इज प्रिवेंटेबल। तो यहाँ पे हमारे दोस्तों का और फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और एंकरेज कीजिए आप, क्योंकि अगर कोई ऑलरेडी डिप्रेशन में है, हो सकता है वो अपने आप उठकर एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ना ले पाए, उनमें शायद हिम्मत भी ना हो, मोटिवेशन भी ना हो, आप उनके लिए एक अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए। अगर आपके कोई नजदीकी रिश्तेदार है या दोस्त है, आप उनको साथ में लेके जाइए। मेरे प्रैक्टिस में मैं देखती हूँ काफी सारे यंगस्टर्स भी अक्सर उनके दोस्त उनको लेके आते हैं, अगर कुछ टीनेजर्स है तो उनके पेरेंट्स लेके आते हैं, बुजुर्गों को उनकी फैमिली वाले लेके आते हैं। तो इतना तो हमको समझना है कि जब एक इंसान डिप्रेशन में है वो खुद होकर हेल्प नहीं मांगेगा, शुरू शुरू के स्टेजेस में शायद मांगे, बट अगर सीवियर डिप्रेशन हो गया है, बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया है, अकेले रहना शुरू कर दिया है, तब उनको किसी न किसी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपको अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन या हिंट होता है कि शायद कोई डिप्रेस्ड हो, आप डेफिनेटली एक प्रोफेशनल के पास ले जाइए। जरूरी नहीं कि आपको साइकाइट्रिस्ट के पास ही, मनोचिकित्सक के पास ही जाना है, आप उनके फैमिली डॉक्टर के पास ले जाइए, फिजिशियन के पास ले जाइए। हर एक डॉक्टर को थोड़ा ना थोड़ा अंदाजा होता है, वो अपना इनिशियल असेसमेंट करेंगे, चाहे तो वो आपको ट्रीटमेंट भी शुरू कर देंगे, या उनको लगता है कि किसी साइकाइट्रिस्ट के पास या काउंसलिंग के लिए भेजना है साइकोलॉजिस्ट के पास, तो वो वहां पे भेजेंगे। तो काफी सारी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। इसी से मेरा अगला सवाल, क्योंकि जिस तरीके से आपने बातचीत के दौरान कई सारे चीजों का जिक्र किया कि जो लोग हैं वो मतलब उनके घर वाले भी यही समझते हैं कि कहीं उन्हें एक पागल ना करार दे दिया जाए, इस तरीके से कई सवाल आते रहते हैं कि अगर मैं अपने बच्चों को डॉक्टर के पास दिखाने ले जाऊंगा या जाऊंगी तो इससे कहीं कुछ अपने या तो लेकर आप क्या सलाह देंगे उन परिवार को कि वो इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करके इन चीजों का इलाज करवाएं और इन सुसाइड के जो उसमें राह पे लोग जो चलने लगते हैं उससे कैसे बचे, क्या सलाह देंगे आप? जी, जैसे मैंने बोला था कि एज अ कम्युनिटी, एज अ समुदाय, हमारी एक ड्यूटी बनती है। हमें पता है कि साइकाइट्री का, मेंटल हेल्थ इश्यूज का, मानसिक प्रॉब्लम्स का काफी एक सोशल स्टिग्मा है। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी चीज के लिए चाहे एक साइकाइट्रिस्ट के पास चले जाइए, बस लोग बोलेंगे चलो ये इंसान तो पागल हो गया। ऐसा नहीं होता है। आई थिंक उसको एक बुरे तरीके से पेश किया गया है पिक्चरों में या मूवीज वगैरह में,
देखिए सिंपल से सिंपल चीज जैसे कि घबराहट जो हम लोग बोलते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें जो बहुत इजीली ट्रीटेबल है, बिल्कुल जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो कि आपको थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, आपको पेट में दर्द हो रहा है, उसी तरीके से आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो कि साइकाइट्रिस्ट है, आप उनके पास जाओगे एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, उसका बिल्कुल प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा और कुछ ही महीनों में आपको फर्क दिखेगा। लेकिन लोग जाते नहीं है ये डर से कि पता नहीं हमारे आसपास वाले क्या बोलेंगे, फैमिली फ्रेंड्स क्या बोलेंगे। ये तो है। जी जी नहीं, ये तो आप छोड़िए, काफी डॉक्टर्स के प्रोफेशन में भी मैंने देखा है कि एजुकेटेड होने के बावजूद, प्रोफेशनल होने के बावजूद, वो अपने घर वालों को भी साइकाइट्रिस्ट को दिखाने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। हाँ। तो आई थिंक हमको एक माइंडसेट का चेंज लाना है अपने कम्युनिटी में, ये स्टिग्मा को हमको निकालना है। ये स्टिग्मा निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो कैंपेन्स किए जा सकते हैं, जैसे हमारे कंट्री में सितंबर में, कंट्री नहीं बिल्कुल वर्ल्ड में, समझिए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, सितंबर 10th को होता है वो, हर उस एक मौके को लेकर बहुत सारे कैंपेन्स किए जाते हैं उस दिन। उसी तरीके से रूटीन में अगर लोग सुसाइड के बारे में बात करें या डिप्रेशन के बारे में बात करें, अवेयरनेस वर्कशॉप्स करें, खुले में अच्छे से लोगों के बीच आपस में बात करें, अगर किसी को समझे डिप्रेशन हुआ है, अगर वो आके दूसरे को बोलता है कि मुझे डिप्रेशन हुआ था, मैंने ट्रीटमेंट लिया है, मैं ठीक हो गया हूँ, तो हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ा सा लोग जजमेंटल हो जाए कि अच्छा इसको प्रॉब्लम हुआ था, पता नहीं कुछ मानसिक प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे अगर काफी सारे लोग करना शुरू कर दें तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल टॉक हो जाएगा और फिर लोग हिचकिचाएंगे नहीं। जैसे किसी को अगर सच में डिप्रेशन है और वो कोई हेल्प लेना चाहता है तो वो हिचकिचाएगा नहीं अपने आसपास के लोगों से बोलने के लिए कि शायद मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। क्योंकि देखिए डिप्रेशन में सिर्फ साइकाइट्रिस्ट और दवाइयों का रोल नहीं होता है, सोशल सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। तो आप अगर एक इंसान को महसूस करवाते हो अपने फ्रेंड को, फैमिली मेंबर को, कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आपका बुरा टाइम चल रहा हो, जो भी हो, हम आपके साथ हैं, आप हम पे डिपेंड कर सकते हैं, अपने आप को अकेला ना महसूस करिए, इस तरीके का जो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने फैमिली मेंबर या सोसाइटी से, तो वो सबसे बड़ा समझिए आप रोल होता है किसी के इम्प्रूवमेंट में। इसलिए हमको ये करना बहुत जरूरी है। और आजकल जैसे सेलिब्रिटीज, काफी सेलिब्रिटीज खुलकर आए हैं, जैसे दीपिका पादुकोण ने अपनी एक संस्था भी शुरू की है, जैसे लोग खुल के मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, डिप्रेशन, सुसाइड वगैरह के बारे में बात करेंगे, तो सोसाइटी भी उनको कॉपी करेगी, फॉलो करेगी और हिचकिचाएगी नहीं। तो मैं ये रेकमेंड करूंगी कि जो बड़े लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, सेलिब्रिटीज है, प्रोफेशनल्स है, ये अगर बाहर आके अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में और उनके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो सोसाइटी में एक बड़ा सा चेंज ऑफ माइंडसेट होगा, जिससे फिर खुलकर हर कोई मानसिक प्रॉब्लम्स के लिए कुछ हेल्प ले पाएगा। इसी से मेरा अगला सवाल, क्योंकि जिस तरीके से कई सारे आंकड़े आते रहे और लोग जो हैं सोशल मीडिया पे अभी भी लिख रहे हैं, तो मैं एक आंकड़े के साथ मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरीके से 2018 के साल में एक रिपोर्ट आती है उसमें कहा जाता है कि 1,34,000 लोग सुसाइड कर लेते हैं, जिसमें से स्टूडेंट सुसाइड जो होता है वो 10,159 होता है और उसके बाद जो मेंटल हेल्थ इनलेस होता है वो 7,193, ये 20 दिन का आंकड़ा है, मतलब 2018 में 20 दिन में 7,193 लोग ऐसे हैं जो मानसिक तनाव के कारण सुसाइड करते हैं, और 7 दिन में एक ऐसे आंकड़े आते हैं जो 2,700 लोग सुसाइड करते वो बेरोजगारी से करते हैं, और उसके बाद 1,202 लोग ऐसे हैं जो 3 दिन में जो गरीबी से सुसाइड करते हैं। तो इन लोगों को क्या सलाह देंगे आप कि ये गरीबी जो सुसाइड आता है, जो बेरोजगारी से सुसाइड आता है, इन लोगों को क्या सलाह देंगे आप? देखिए सुसाइड या डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स किसी को चुन के नहीं आते हैं, ये हर एक अपने ग्रुप में अलग तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे आपने बोला गरीबी है, उनकी अपनी प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ा स्ट्रेस है जो कि डिप्रेशन कॉज कर सकता है, या जस्ट सिचुएशनल जैसे कि एक रिएक्टिव, किसी कोई बिल्कुल
समझिए परेशान है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, बिल्कुल निराशा में है कि क्या करे, तो उसको शायद ये महसूस हो कि इससे अच्छा मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं तो मेरे घर वाले एटलीस्ट मैनेज कर लेंगे या चलो उनका कुछ ना कुछ हो जाएगा। आई थिंक एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, गरीबी के लिए तो गवर्नमेंट की तरफ से ही काफी सारे स्कीम्स या सॉल्यूशंस आने पड़ेंगे, क्योंकि एक आम इंसान को ऐसा महसूस कराना पड़ेगा कि देश उनके साथ है, उनके सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और हो सकता है एक गरीब इंसान साइकाइट्रिस्ट को ना अफोर्ड कर सके, बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट शहरों में हैं, छोटे छोटे जगहों पे कम है, तो वहाँ के जो वर्कर्स है, पेरिफेरल वर्कर्स है और जो पीएचसी के डॉक्टर्स है, नर्सेस है, उन्हीं को आई थिंक ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है ताकि वो डिटेक्ट कर सके एट दैट लेवल। अगर तभी कोई डिटेक्ट कर सके कि मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत परेशान है, शायद ये कोई स्टेप ले ले, तो उसको हम किस तरीके का सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए जो बाहरी प्रॉब्लम्स है जो कि फाइनेंशियल है या कुछ, वो तो मैं अभी भी कहूंगी कि गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, एज अ कम्युनिटी, एज अ समाज क्या कर सकते हैं वो उनको देखना पड़ेगा। ओवरऑल इंसानियत जो है, आई थिंक ये इंसानियत की जो फीलिंग है ये हमको फिर से बाहर लानी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ पैसा हर एक चीज नहीं होता है। अगर ऐसे होता तो फिर हर एक पैसे वाला बहुत खुश होता, कोई डिप्रेशन में जाता ही नहीं, कोई सुसाइड करता ही नहीं। तो हमको ये समझना है कि सिर्फ गरीबी या अमीरी एक प्रॉब्लम नहीं है, गरीब लोग भी सुसाइड करते हैं, अमीर लोग भी करते हैं, तो गरीबों के क्या अपने प्रॉब्लम है, उस तरीके से उनके लिए एक गवर्नमेंट का प्लान हो, कम्युनिटी का प्लान हो, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाता है, ह्यूमैनिटेरियन डोनेशन होता है, ग्रांट्स होते हैं, तो हम इस टाइम्स के लिए वेट ही क्यों करते हैं कि ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो फिर हम सब डोनेट करना शुरू करें या कुछ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।